नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करना दोस्तों कैनरा बैंक के शेयर के बारे में। दोस्तों इस बैंक का जो शेयर है दोस्तों 119 रुपये पर ट्रेड बंद होता हुआ क्लोजिंग दिखने वाला है। 0.90 पैसे की बढ़ोतरी रही है स्टॉक में एक दिन की और 0.76% का रिटर्न स्टॉक में देखने को मिला है एक दिन में। तो दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो मार्केट में एक गिरावट मोमेंटम है और इसके साथ बाय मोमेंटम भी है। चुनावी माहौल में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, इसके साथ स्टॉक ने वापस अप ट्रेंड हुए अपने अपनी जगह पर स्टॉक वापस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कंसोलिडेट ट्रेड कर रहा था जो कि प्राइस थी 115 रुपये से लेकर 120 रुपये के बीच की और यहाँ पर ही कंसोलिडेट ट्रेड कर रहा है। अभी भी स्टॉक वहीं ट्रेड कर रहा है 115 रुपये से लेकर 120 रुपये के बीच कंसोलिडेट ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अप ट्रेंड हुआ है तो यहाँ से भी अप ट्रेंड मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ सकता है। अगर इसको 125 रुपये के आसपास अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 122 रुपये के ऊपर तो एक मोमेंटम बन सकता है। 125 से लेकर 28 रुपये के टारगेट स्टॉक में मिल सकते हैं। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मोमेंटम यहां पर अच्छा खासा हो सकता है। 132-135 रुपये का लेकर यहां पर 150 रुपये के टारगेट स्टॉक में यहां पर लॉन्ग टर्म नजरिए से देखने को मिल सकता है। अगर यहां से नीचे ब्रेकआउट करता है 115-116 रुपये से तो 112 रुपये का एक सपोर्ट है। उसके नीचे अगर यहां पर मोमेंटम करें तो 110 से लेकर 108 रुपये का एक सपोर्ट है और इसके नीचे अगर ब्रेकआउट करता है तो 100 रुपये से नीचे स्टॉक देखने को मिल सकता है कैनरा बैंक का शेयर। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।